भाई तू नाच क्यों रहा है? आपको नहीं पता, हमेशा मुझे एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई अपनी रील्स को कैसे आप कलर ग्रेड करते हो अपनी फोन में, या फिर आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को कैसे कलर ग्रेड करते हो। यार आपकी वीडियो बहुत ही खतरनाक लगती है। डिस्को एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, इनशॉट एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, बट काफी सारे लोगों को उसको लॉग इन करने में प्रॉब्लम होता है, किसी में पेड वर्जन मांगता है वगैरह वगैरह, बहुत प्रॉब्लम होती है। बट बहुत खुशखबरी की बात है कि अब हमारे लाइट रूम में हम वीडियोस एडिट कर सकते हैं, वो कलर ग्रेड कर सकते हैं। बट ये बात कहां तक सच है, आइए इसका जांच पड़ताल करते हैं, आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लाइट रूम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। अब कहां से करना है, कैसे करना है, मैं नहीं दिखाऊंगा, बता देता हूं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, वहां पे मैं बता दूंगा कि कहां से डाउनलोड करना है, किस लिंक से डाउनलोड करना है। यूट्यूब वाले को तो जानते हो, इन्हें फ्री नाम की चीज से बहुत ज्यादा नफरत है। सो डाउनलोड करने के बाद लाइट रूम एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहां पे कोई भी एक वीडियो को रैंडमली इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो वीडियोस हम लोग का इंपोर्ट हो चुका है लाइट रूम में, एंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग को ऑप्शन मिल रहा है ट्रिम का। तो ट्रिम ये सब ज़्यादा जरूरत है नहीं। उसके बाद हम लोग को मिल रही है प्रीशेट। प्रीशेट तो आप लोग खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे प्रीशेट हैं, बट जो हम लोग मेन चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वो आ गया। उसके बाद फोटोज़ में हम लोग को ऑटो लाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत अच्छा रहता है, ऑटोमेटिक लाइट वगैरह एडजस्टमेंट कर लेता है। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं देखने को मिलता है, आप लोग को लाइट्स को मैनुअली एडजस्ट वगैरह करना होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिलता है ऑप्शन टेम्परेचर का। में हम लोग को टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, ये तीनों चीज़ें मिलती है, जो कि हम लोग को फोटोज़ में भी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे कलर मिक्स का ऑप्शन मिलता है, कोई भी एक कलर टोन को पूरी वीडियोस में दे सकते हैं, जो कि फोटोज में भी है। ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जिस चीज़ का हम लोग मेनली इंतजार करते हैं वो है मिक्स। मिक्स टूल भी यहाँ दिया गया है और ये बहुत ही फेवरेट चीज़ है मेरा। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ का कलर, स्पेसिफिक कलर को कर सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, लुमिनस बढ़ा सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सब चीज़ आप लोग को मैं अभी प्रॉपर कोई नहीं बता रहा हूँ कि किस कलर टोन में हम लोग एडिट कर रहे हैं। बदलते हैं इफेक्ट वाले टूल में। तो इफेक्ट वाले में हम लोग को विंटेज वगैरह का ही सिर्फ ऑप्शन मिलता है, ना कि टेक्सचर, क्लियरिटी, डीएस, ये सब चीज़ ऑप्शन नहीं मिल रहा है ऑप्शन। तो डिटेल में अभी हम लोग का कोई भी टूल ओपन नहीं है। तो बाकी ये बहुत अच्छा फीचर है, जो भी फीचर हम लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन में दिया गया काफ़ी यूजफुल है। इससे ज़्यादा अभी देखो क्या होता है, अपडेट के बाद आगे दे भी सकता, बट अभी नहीं भी देगा तो यार बहुत खतरनाक है। सो भाई ये फीचर देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया, एंड अब हम लोग लाइट रूम में ही कलर ग्रेड करेंगे। सारे एप्लीकेशन को डिलीट मारो यार, एंड इससे कलर ग्रेड वगैरह करो। एंड जो भी कलर ग्रेड पे आप लोग को वीडियो चाहिए, प्लीज़ मुझे DM कर सकते हो। एक कलर ग्रेड के ऊपर काफ़ी सारे मैं वीडियोस लाने वाला हूँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि भाई अरे ये तो पता ही होगा आप लोगों को। बाकी इस चैनल पे ना वीडियोग्राफी के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आती है, रील्स के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आती है, तो ये सब सीखना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक मिनट, आप लोगों को मिनी ब्लॉग सीखना है ना, अरे ये वाली वीडियो देख के जाओ ना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड ये बॉम्ब कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।